सो ही गाइस, कैसे हो आप सी सो गाइस, लोग? फाइनली आपसी को तो पता ही यार, हुआ कल के दिन हमारे फ्री फायर गेम को गाइस हमारे इंडिया सर में पूरी तरीके से बैन करा गया था यार 15 फरवरी के दिन। और हाँ मेरे भाई, अगर आपसी को कुछ चीजें भूल गई तो हो, फाइनली यार 1 साल हो चुका है अभी तक हमारे फ्री फायर गेम को वापस आने का। गाइस सर, कोई नामो निशान नहीं ये? यार, ना ही गहना फ्री फायर यहाँ पर रिप्लाई दे रहा है कि हमारा फ्री फायर गेम वापस आएगा। बेसिकली तो आपसी को पता है, किसी भी गेम को यार किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी कंट्री के अंदर बैन करा जाता है, फाइनली उस एप्लीकेशन या उस गेम को गाइस टोटल 1 साल बाद गाइस और वापस उस कंट्री में लॉन्च करने का गाइस एक और मौका मिलता है, जो कि गाइस उसको अपने टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज तो करके। लाइक देखा जाए तो अभी के टाइम ग्रेना फ्री फायर के टोटल 1 साल हो चुके हैं गाइस यार बैन हुए कंप्लीट। तो फाइनली क्या हमारा ग्रेना फ्री फायर अभी के टाइम इस गेम को वापस लाने के ऊपर काम कर रहा या है नहीं कर रहा और है? क्या 1 साल कंप्लीट हो गए फिर भी गाइस हमारा गेम वापस आएगा या नहीं आएगा, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। प्लस इस वीडियो के अंदर मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। हम रोई और देखा जाए तो आज को गाइस आपसे शुरू से लेकर एंड तक जोड़ देखना, एंड वीडियो के एंड तक देखने के बाद अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो गाइस थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगती है गाइस, अगर आपसे समझदार हो, मुझे पता आपसी हो, हम रोई और देखा जाए तो आज कोडो को गाइस आपसे प्लीज सर वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम रोई जो पास में बेल नोटिफिकेशन आता ना उसको भी ऑल पे जरूर सेट कर लेना। हम रोई चलो वीडियो गाइस स्टार्ट करते हैं। और यार सबसे फर्स्ट फिल्म बात करते हैं गाइस सर हमारा फ्री फायर मैक्स, जो कि गाइस सभी के टाइम तो अवेलेबल है, बट हमारा फ्री फायर नॉर्मल कम बैक कब करेगा हमारे इंडिया सर में? लाइक देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अब देखो एग्जांपल गाइस आपसी के सच में दिमाग में अच्छी तरीके से बैठेंगे, मैं इस तरीके से दूंगा। देखो आपके पास एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर गाइस सर बहुत सारे बंदे गेम बनाते हैं, बहुत सारे बंदे सीरियल्स बनाते हैं। लाइक यार देखा जाए तो बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि गाइस सर मूवी प्रोजेक्ट पे भी काम करते हैं। अब देखो आप लोगों ने काम शुरू किया 2010 में, जो कि गाइस आप लोगों को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड यार उस काम को करते करते गाइस आप लोगों ने 2023 में पहुंचा और दिया। हाँ यार उस प्रोजेक्ट के अंदर सिंपल से गाइस आप लोगों ने बस एक ही चीज को दिखाया, जो कि गाइस पुरानी ही चीजें दिखाई। अब देखा जाए तो गाइस आप लोगों ने ना ही उसको डेवलप किया, ना ही गाइस उसको अपग्रेड किया। लाइक यार वैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे फ्री फायर गेम को ही ले लो। अब यार आप लोगों को नॉर्मल फ्री फायर को गाइस और वापस तो चाहिए, गाइस हमको भी चाहिए, क्योंकि यार देखो ये एक ऐसा इकलौता गेम यार फाइनली हमारे इंडिया में गाइस एंड्रॉइड के अंदर गाइस और वो भी हमारे लो एंड डिवाइस के अंदर प्ले कर सकते हो गाइस उसको विदाउट लैग। यार बेसिकली देखो आपको पता है कोई भी गेम हो कोई भी एप्लीकेशन हो गाइस उसको समय के साथ गाइस अपग्रेड ना करा जाए तो गाइस आपको पता है वो चीजें पीछे रह जाएंगी। यार वैसे ही हमारे फ्री फायर गेम को ही ले लो, अगर आपसे को हमारा नॉर्मल फ्री फायर जो कि गाइस हमारे ओल्ड दिन वापस चाहिए तो गाइस ये चीज तो पॉसिबल नहीं अब है। हाँ यार देखो मैं झूठा दिलासा तो दे नहीं सकता, क्योंकि यार देखो आपसे को पता है जो हमारे इंडिया के जो बीच बैच प्लेयर है गाइस वो एकदम बोला तो जाए फाइनली वो तलवे चाटने वाले कुत्ते बन चुके हैं। अब बेसिकली देखो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार देखो आपसे को पता है जो बी बैच इसलिए मिलता है क्योंकि यार देखो उन सभी के पास एक ऐसी ऑडियंस है यूट्यूबर को देखना पसंद करती है। बेसिकली देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बी बैच प्लेयर गाइस यार क्यों कुत्ते बन चुके तलवे चाटने वाले बन चुके अब हैं, क्योंकि देखो ग्रेना फ्री फायर ने वीवेज क्यों दिया है, क्योंकि यार देखो अगर कोई भी चीज गाइस हमारे नॉर्मल फ्री फायर या तो गाइस यार कोई भी हमारी ऑडियंस को कोई भी चीज पसंद हो ना पसंद हो गाइस आपको कैसे पता चलेगा? अब ये देखो ग्रेना फ्री फायर तो खुद ब खुद पूछने तो नहीं आएगा कि गाइस यार आपको क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ जो चीज गाइस हमसे को पता होनी चाहिए गाइस आपको पता जो वीवेज वाला प्लेयर है गाइस आपसे उससे गाइस यार कमेंट में बताओगे गाइस वो चीज गाइस उसको क्या करनी होती है। सिंपल से गाइस वो ग्रेना फ्री फायर का ऑफिशियल मैनेजर या तो गाइस जो भी काम करने वाले बंदे हैं गाइस उन सभी के पास पहुंचाना। लेकिन मेरे भाई इंडिया के जो हमारे फ्री फायर के क्रिएटर्स है गाइस मैं आपको बताऊं बकायदा गाइस एकदम बोला जाए तो मतलब कुत्ते समझ सकते हो गाइस यार पालतू कुत्ते यार सेम टू सेम वही समझ लो इन लोगों को, बस इनसे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब बेसिकली देखो ऐसा कहने का रीजन एक और है क्योंकि यार देखो आपको पता हमारे इंडिया कंट्री पे गाइस यार पहले अंग्रेजों ने राज किया, फाइनली कैसे ने कैसे सह करके इन्होंने लिखाड़ तो लिया ही लिया, और गाइस यार कितनी मेहनतों के बाद कितने बंदों ने गाइस इतनी मेहनत करी तब हमारे इंडिया देश आजाद हुआ। लेकिन हाँ मेरे भाई कुछ ऐसे प्लेयर्स भी है ना जो कि गाइस यूट्यूबर क्रिएटर्स गाइस उन सभी को अभी भी यार दब के रहना पसंद है, मतलब मेरे बात समझ लो मैं क्या कहना और चाहता हूँ। हाँ मैं खास करके गाइस हमारे फ्री फायर के क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ गाइस, हमारे अदर क्रिएटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो एक ऐसा ही जो क्रिएटर्स है ना गाइस हमारे फ्री फायर गेम यार लिटरली मैं आपको बताऊँ ये गाइस यार बस बस यार इन लोगों से कुछ नहीं हो सकता गाइस, ये जितना मतलब कर सकते बस ये गाइस यार पैसे कमा रहे लेकिन जो चीज हो रहा है बस इनको बस इतना ही चलना है। देखो इनको ये नहीं समझ आता ना गाइस हमारे जो फ्री फायर के गाइस प्लेयर्स है इन्हीं की वजह से गाइस इनका पूरा का पूरा चैनल भी चलता है पूरा का पूरा सब कुछ चलता लेकिन है। हाँ मेरे भाई इनको बस गाइस यही चीज नहीं पसंद है कि गाइस जो मतलब क्रिएटर या तो जो प्लेयर्स इनको सपोर्ट करते हैं गाइस उन्हीं का गाइस साथ दे, इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए देखो मेरे भाई मैं बस यहाँ पर चिल्ला सकता हूँ जो कि गाइस आप लोगों तक मैं आवाज पहुंचा सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। खास करके गाइस अगर मेरे पास अगर अच्छी खासी ऑडियंस होती मेरे को सपोर्ट करती तो मैं आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिला सकता गाइस, मैं आप लोगों को गाइस यार बहुत सारी चीजें बता सकता। लेकिन नहीं मेरे
भाई चलो मैं आपको असल टॉपिक जो कि गाइस हम बात कर रहे थे गाइस हम अपनी भावनाओं में बैठे गए थे तो गाइस उसको छोड़ते हैं। चलो मैं आपको बता दूं गाइस आखिरकार हमारा नॉर्मल फ्री फायर कब वापस आएगा। बेसिकली देखो मैं आपको बता दूं गाइस अभी के टाइम जो कि गाइस ग्रेनर फ्री फायर ने ये भी नहीं बोला कि गाइस हमारा फ्री फायर वापस भी नहीं आएगा यार, ऐसा भी नहीं बोला कि गाइस अभी ये कुछ दिनों में आने वाला है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता दूं लिटरली गाइस असल में क्या हमारा फ्री फायर वापस आएगा नहीं आएगा। तो देखो गाइस अभी एक साल तो हो चुके गाइस, एक साल कंप्लीट हो चुके हैं तो गाइस आपको थोड़ा दिन और वेट करना है। हाँ मेरे भाई मैच टू मैच आपको ज्यादा दिन नहीं वेट करना गाइस, आपका जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है हमारा मार्च मंथ गाइस वो पूरा का पूरा मार्च मंथ गाइस आपको वेट करना है। एंड उस मंथ के अंदर फ्री फायर नहीं आया ये देखो फ्री फायर नॉर्मल जो की गाइस मैं बताऊंगा उससे उम्मीद बिल्कुल मत रखना की गाइस वो वापिस भी आएगा हमारे इंडिया में। इसलिए देखो ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार देखो जो हमारा पबजी था गाइस फ्री फायर से तो अच्छा ही था क्योंकि यार देखो जब वो बैन हुआ तो उसने साफ साफ बोल दिया कि हमारा इंडिया में जो की गाइस बैन कर दिया गया हमारे एप्लीकेशन को। इसीलिए देखो उसको वापिस आने में गाइस उसने डेट तक बता दी गाइस एक साल बाद वापिस आने का कोई चांस है, बट इसने गाइस अभी तक कोई भी चीज नहीं बोली, ना इसने मुंह तक खोला ना कुछ भी बोला है। तो अब बेसिकली देखो मैं क्या बताऊंगा इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन हम लोग यार देखा जाए तो जो भी चीजें थी वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, आगे चल के कुछ और अपडेट्स मिलते कुछ भी चीजें पता चलती तो मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। तो गाइस यार देखा जाए तो आज को बस इतना ही, फिर मिलेंगे कौन बड़े के साथ, अब तक के लिए बाय दोस्तों।